जय हिंद साथियों, आपको वन प्लस डिफेंस एकेडमी के तरफ से आपको सभी फौजी भाइयों को दिल से सलाम है। और आज जो है इंडियन आर्मी का नया भर्ती का तरीका जो है इस महीने के लास्ट तक ये ऑफिशियली आ जाएगा। इसके बारे में आपको पूरा पूरा आज 100% यहाँ बता रहा हूँ, जो भी अभी आपका कहीं कहीं से न्यूज मिला है। ये है टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि टीओडी। क्या है टीओडी के बारे में बताने वाला हूँ, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि टीओडी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसीलिए इसके बारे में पूरा पूरा जानना जरूरी है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले हो या कर रहे हो या कोई करेगा उसको बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताने वाला हूँ कि ये आपका न्यूज कंफर्म हो जाएगा कि इसमें केवल 4 साल के लिए अभी बात चल रही है कि केवल 4 साल के लिए ही आपको इसमें नौकरी या सेवा देने का आपको अवसर दिया जाएगा। ये बात सच है या गलत है? इसके अलावा इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, भर्ती का तरीका है, इसमें कोई बदलाव किया गया है या किया जाएगा। अभी मैं इसमें ये भी मैं बताने वाला हूँ, आगे मैं बताने वाला हूँ। इसमें अगर 4 साल के लिए होगा तो बात ये भी चल रही है कि किसी किसी को परमानेंट भी किया जाएगा। क्या ये सही है? अगर सही है तो किसको किया जाएगा और किस तरीके या किस आधार पर किया जाएगा? आगे है आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको 4 साल के दौरान आपके ड्यूटी पर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार वाले को क्या क्या मिलेंगे, ठीक है? इतने कुछ जानने के बावजूद अगर आप आर्मी में आना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आना है या नहीं आना है, तैयारी करना है कि नहीं करना है। इसीलिए इस वीडियो को आज पूरा पूरा स्किप मत करना थोड़ा सा भी, और इसको पूरा पूरा देखना। साथ साथ अगर आप आर्मी के लिए मॉडल पेपर, खासकर क्लर्क के लिए वीडियो कोर्स तो आप चाहिए आपको, तो आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो टीओडी है, इसमें जो टीओडी है, इसमें सच बात है कि 4 साल के लिए ही इसमें भर्ती का प्रोसेस किया जाएगा और 4 साल के बाद किसी किसी को परमानेंट किया जाएगा और किसी किसी को नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये था कि 4 साल के लिए आपका ये है जॉब है, तो बिल्कुल सच बात है, इसमें आप हाँ कर दिया। और आपको कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दूसरा ये है कि इसमें भर्ती का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी उसमें चेंजिंग या बदलाव किया गया है या किया जाएगा, तो ये इसका ये है कि अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे बदलाव किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन अपडेट ये है अभी न्यूज में, सबसे पहले आपको रिटेन ही ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल में भेजा जाएगा, ठीक है? तो रिटेन के लिए तैयारी के लिए आप लोग तत्पर रहे, तैयारी करते रहे, ठीक है? इसमें कुछ भी हो सकता है। और आगे है क्वेश्चन आपका कि कौन कौन इसमें परमानेंट होगा। तो देख लीजिए, 4 साल, 4 साल तो आपको जॉब मिलेगा आपको, और इसके बेसिस पर जो भी इसमें परफॉर्मेंस आप अच्छा करेंगे, जो आपका इसमें जिसका जो सर्विस बढ़िया रहेगा, जो भी रहेगा, इसके लिए एक सिलेक्शन बोर्ड के लिए का स्थापना कर दिया जाएगा। उस वो ही आपको इसमें सिलेक्शन लेंगे कि परमानेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको 4 साल जॉब कर देते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी मिलेगी आपको करीबन 30,000 पर मंथ मिलेगा, 30,000 हर महीने को मिलेगा। और 4 साल के बाद आपको इसमें कोई पेंशन नहीं मिलेगा, कोई स्वास्थ्य का स्कीम, हेल्थ केयर वाला कोई स्कीम नहीं मिलेगा, लेकिन 4 साल के बाद आपको 10 लाख से 12 लाख रुपया इस सैलरी के अलावा दिया जाएगा, ठीक है? 10 से 12 लाख रुपया दिया जाएगा 4 साल के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। और अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सर्विस के दौरान, ड्यूटी के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार वालों को क्या मिलेगा? इसमें आपको 40 से 50 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर आपका सर्विस टाइम बाकी है, यानी ड्यूटी का मान लीजिए आपको 3 साल किया आपने, 1 साल बाकी है, तो 1 साल का इसमें सैलरी भी आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है? आगे है, इतने कुछ जानने के बावजूद अगर आप आर्मी में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं बोलूंगा इसमें आपको 100% आना है, ठीक है? और तैयारी करना है बढ़िया से। और क्यों आना है? क्योंकि देख लीजिए कि आपको 4 साल में आपको प्रोफेशनल और डिप्लोमा कोर्स भी इसमें कराया जाएगा इस 4 साल में। तो समझ लीजिए, अगर आप मान लीजिए 18 साल में आपका इसमें आर्मी में आ जाते हो,
21 से 22 साल के 21 से 22 साल की उम्र में ऐसे आप बाहर आओगे तो आपके पास डिग्री भी रहेगा प्रोफेशनल कोर्स का, और इसमें अगर चाहे तो आपको डिप्लोमा कोर्स का रहेगा, तो कहीं भी नौकरी आपको मिल जाएगा दोबारा। इसमें आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में अगर अगर वगैरह कहीं कर सकते हो, तो आपका कैरियर जो है हमेशा के लिए इसमें सेट ही रहेगा, और कोशिश ये करिए कि आपका परमानेंट इसमें हो जाए। तो मैंने अभी जितने मेरे पास न्यूज था तो मैं अभी सभी आपको इसमें अपडेट कर दिया हूँ। इसके बावजूद भी कोई आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और भी जो जैसे मेरे पास न्यूज आएगा मैं आपको सभी इसमें अपडेट कर दूंगा फिर से दोबारा। और आपके पास कुछ भी न्यूज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक ले सभी से एक बार फिर से जय हिंद।